यूपीपी का जो पेपर 65 नंबर सीरीज है, आज हम लोग से सोल्यूशन करेंगे 65 नंबर सीरीज, बुकलेट नंबर 65। ये जो पेपर हुआ है इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है, कह रहा है कि 45% अगर 135 है तो हमसे कहता है संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर, संख्या पूछा है। तो 45% है, संख्या कितना हो जाएगा 100%, क्योंकि हर चीज क्या होती है 100% होती है। तो 100% निकालेंगे तो 135 बटा 45 गुणे 100, तो 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 सती 35, 9 से काटेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 300। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है सवाल, ये कह रहा है कि कप का 720 की कीमत पर बेचा गया, मतलब जो है जो कप है इसे जब 720 रुपए का बेचा गया, मतलब जो एसपी है जब वो 720 हुआ है तो कहता है 20% का नुकसान हुआ है, तो 20% का लॉस हुआ है। प्रॉफिट लॉस जो है 100 पर होता है, 100% पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो 20% का लॉस हो गया इसका मतलब 80% जो है एसपी हो गया, 80% की वैल्यू हो गई 720। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, मतलब हमें 105% की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, एक कप का एक सेट जब 720 रुपए का बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ, 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। 80 की वैल्यू 720 है, 105 की वैल्यू हमें निकालनी है, जीरो कैंसिल हो गया, 8 9 72, तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 105 गुणे 9, 9 पचे 45, 945। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 नंबर सवाल जो बुकलेट का है, क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि 750 में कीमत वाली पतलून है, मतलब इसका जो एमआरपी है, एमआरपी हमें दिया है 750 और जो इसका एसपी दिया है वो दिया है 660। अब आप ध्यान सुनिएगा ढंग से, एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद वो चीज एसपी हो जाती है, एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद वो चीज एसपी हो जाती है, और डिस्काउंट किस पर देते हैं एमआरपी पर, और प्रॉफिट लॉस किस पर होता है सीपी पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट है, कितना छूट दी गई है 660 है, यहाँ पे 40, 50, 40, 90 रुपए की छूट है, 90 की छूट है किस पर 750 पर, तो गुणे क्या करेंगे 100, दो जीरो कैंसिल, ये 5 दुनी 10 15, 6 दुनी 12%, तो 12% क्या हो गई छूट हो गई, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए सही था इसका, ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 की जो बात करेंगे इसमें कह रहा है सवाल 8% एसआई। एक बार आप लोग सवालों को देख सकते हैं, अगर चाहे तो इसको एक बार स्कैन कर लीजिए, वैसे मैं इसका पीडीएफ दूंगा, ये है पूरा क्वेश्चन पेपर, ये और ये क्वेश्चन आप पूरे देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89 जो है, 8% एसआई की रेट पर 1500 का 4 साल का ब्याज क्या होगा, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 8%, मूलधन कितना दिया है 1500 और हमें 4 साल का ब्याज चाहिए। एसआई जो होता है सीधा बहुत आसान है, एक सवाल सब में आ रहा है, पीआरटी बटा 100, पी कितना है 1500,
आर कितना है 8, टाइम कितना है 4, बटा कितना कर देंगे 100, दो जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15 × 120 गुणे 4, तो 12 × 48 480 रुपये। इसमें आपको ध्यान देना है जो एसआई होता है वो पीआरटी बटा 100 होता है। पी क्या है? मूलधन है। आर क्या है? रेट है। टी क्या है? टाइम है। बाकी आप इसको 1500 है तो 8 × 32% भी निकाल सकते हो, 8 × 32 आर इंटू टी भी होता है, आर इंटू टी एसआई जब मूलधन 100% हो, जब मूलधन 100% हो, तो 32% की वैल्यू 1500 है, 100% निकाल लेंगे तब भी हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की बात करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर आपने देखा होगा, ये जो सबसे आखिरी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ये कह रहा है राशि को कितने गुना हो रहा है, 1.21 गुना हो रहा है, दशमलव हटा देंगे दो जीरो बढ़ जाएंगे। समय कितना है? 2 साल है। समय बराबर कितना है? 2 वर्ष है। हम लोग जब ऐसा कभी क्वेश्चन होगा जैसे 1.21 टाइम्स है, गुना है, या कभी कुछ और सवाल आए, तो एसएससी भी आ जाता है सवाल कभी कभी, एसएससी बैंक सब कहीं आता रहता है, तो इसको कैसे करेंगे, जितना समय होता है जैसे 2 साल है तो यहाँ 2 लगा लेंगे, स्क्वायर रूट 3 साल होता क्यूब रूट निकाल लेते हैं, 4 साल होता फोर्थ रूट निकाल लेते हैं, 5 साल होता 5 लगाते हैं, मतलब जो भी है उसको यहाँ पर लगा देंगे। अब 2 है तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो ये 11 का होता है, किसका होता है, ये 11 का होता है, किसका होता है, 10 का होता है, तो ये चीज़ कितना ज़्यादा इससे है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है किससे, 10 से, गुणे क्या करेंगे 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10%, यही हमारी रेट होती है सीआई। यहाँ पर सीआई की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो कभी भी इस पे जो है सॉल्व करते हैं, 1.21 गुना है, समय 2 वर्ष है, सीधे रूट लगा देंगे, जितना समय होगा 2 साल होगा 3 साल होगा 4 साल होगा, तो उसी पर लगा करके जितना भी होगा उसका रूट निकाल के, क्यूब है 3 साल अंतर है, क्यूब रूट निकालेंगे और रेशियो बन जाएगा। तो ये मूलधन और अमाउंट का रेशियो बनता है, यह मूलधन 10 है, अमाउंट कितना है 11 है, तो ब्याज कितना हुआ 1, 1 किस पे 10 पे, कितना परसेंट है 10% है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे, इसके बाद आगे बात करेंगे। आगे क्वेश्चन भी आप लोग एक बार पूरा देख सकते हैं, एक बार पूरे क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, एक बार स्कैन कर लीजिए पूरा, ये है फिर आपके ये क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन है ये, देख लीजिए एक साथ सब नोट कर लीजिए फिर सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कह रहा है कि सती और रथिन, सती और रथिन पार्टनरशिप का फिर सवाल आ गया। तो पार्टनरशिप का सवाल आया है तो उसकी पूंजी का जो रेशियो है वो 6:5 है, जो पूंजी है वो 6:5 कितना है, 5 है, और जो लाभ है उसका रेशियो दे रखा है 7:10। सवाल में से पूंजी का रेशियो निकाल लेंगे और लाभ का रेशियो निकाल लेंगे, तो जो समय आएगा, समय, समय होता है लाभ बटा पूंजी, तो 7/6 = 10/5, तो काटेंगे 5 × 10, तो रेशियो आएगा 7:12। अब देखिए रथिन पूरे महीने लगता है 12 महीने, तो क्वेश्चन कह रहा है, और सती लगता है, लगती है 7 महीने के लिए, ये पूंजी अपनी निवेश करती है 7 महीने के लिए, और रथिन अपना पैसा लगाता है 12 महीने के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है सती और रथिन के बीच साझा किया गया था, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, अब 7 महीने रहा साथ में सती, सथिन के साथ 7 महीने साथ में रहा, तो बचा कितना 5 महीना, तो रथिन 5 महीना अकेले रहा, 7 महीना साथ में रहा और 12 महीना अकेले पूरा काम किया है रथिन ने, अपना पैसा लगाया है, तो 5 महीना अकेले रहा। तो जो ऑप्शन इसका दिया था 4, और बी ऑप्शन दिया था इसका 5, सी ऑप्शन दिया था 6, और डी ऑप्शन दिया था 7, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। फिर समझिए सती रथिन का मैं पूंजी का अनुपात दिया था लाभ का, क्योंकि हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, तो जब समय निकालेंगे तो लाभ बटा पूंजी हो जाएगा, लाभ बटा पूंजी, तो रेशियो बन जाएगा समय का, तो 12 की वैल्यू 12 महीना, तो यहाँ पर 7 की वैल्यू कितनी है 7 महीना, तो सती 7 महीना निवेश करती है अपना पैसा, और 12 महीना होना चाहिए, 5 महीना ने अकेले किया रथिन ने, वही क्वेश्चन पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 92,
क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है सवाल कि 11 पारियां पूरी करने के बाद औसत, तो 11 पारियों का औसत, 11 पारियों का जो औसत है, तो औसत पे एक सवाल आ रहा है, इसका मतलब औसत है 51 है, तो हम सब योगफल निकाल लेंगे पूरा, तो 11 गुणे 51 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 कम 11 55 एक 56 561 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे जो कह रहा है कि दो रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, मतलब अगली पारी अगर 12 है औसत दो बढ़ा के 53 कर देना है, तो इसका इंटू कर लीजिए 12 3 36 और 12 5 60 60 तीन कितना 63। अब इसमें से उसको माइनस कर लीजिए, 636 में से 561 माइनस कर लीजिए, तो ये 5 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 7 6 13 75 बनाएगा, तो इसका ए ऑप्शन 75 है, बी ऑप्शन इसका जो है 78 है, सी ऑप्शन इसका 80 है और डी ऑप्शन इसका 82 है, तो इसका 75 हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 93 बहुत आसान था, 11 पारियों का औसत 51 है, योगफल कितना हो जाएगा इसका गुणा कर देंगे, फिर हमें औसत दो बढ़ाना था अगली पारी में, तो 12 हो गया, औसत कितने रन बनाए कि अगली पारी में जो उसका औसत टोटल है दो औसत बढ़ जाए, तो 12 हो गया, यहाँ पर 51 2 53 हो गया, गुणा किया 636, अंतर लिया 75, तो अगली पारी में वह 75 रन बनाएगा। इसके बाद देखो हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है 16 व्यक्ति दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, 16 व्यक्ति दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, तो वही कार्य 8 दिन के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो इसमें M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2 ये आप ले सकते हो, 16 15 दिन 8 कितने दिन, तो 8 दुनी 16, तो X कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 आदमी, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 30 आदमी। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें जो आखिरी दिया है इसमें देखिए एक्स मतलब पढ़ लीजिएगा सही से, तो इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसको हम लगवाते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था दो ट्रेनें हैं, एक ए और बी दो ट्रेनें हैं और कहता है कि अब हो गया स्कैन हो गया ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेनें ए और बी हैं, ये इधर चल रही है, ये ए है बी है, और इसमें जो है स्टेशन एक्स और वाई है, एक्स और वाई के साथ ये एक्स स्टेशन है ये वाई स्टेशन है, और दूरी कितनी है बीच में 600 किलोमीटर है। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि 225 किलोमीटर के पार एक्स से 225 किलोमीटर पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 375, तो रेशियो जो आपका बनेगा 9:15 बनेगा, 9:15 मतलब 3:5 बनेगा, ये रेशियो हो गया। अच्छा अगर इसको देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन जो ट्रेन बी है पूरी यात्रा में 8 घंटे का समय लगाती है, अगर देखो 600 बटा अगर 8 किया जाए तो उसकी जो चाल आएगी वो 75 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, तो चाल आगे कितनी आ जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। अगर देखा जाए तो दूरी और चाल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब समय निश्चित होता है, सवाल में समय निश्चित है, सवाल में समय निश्चित है क्योंकि एक साथ चलते हैं जब एक साथ चलते हैं समय निश्चित होता है, दूरी चाल क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो यहाँ पर अगर ऐसे करो बेसिक तो 75 चाल आ गई किसकी बी की, तो 5 की वैल्यू 75, तो दूरी का जो रेशियो होगा वही चाल का रेशियो हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू अगर 75 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, तो पहले की चाल आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि एक कितना समय लगाएगा, तो दूरी कितनी है 600 बड़ा कितना हो जाएगा 45, काटेंगे तो 40/3 आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन आ जाएगा 13 सही 1/3 घंटे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दोबारा समझा दे रहे हैं, दूरी 600 है, 225 किलोमीटर पहले इसको पार करता है, तो ये 225 चला है होगा तो ये चला होगा 375, दोनों में रेशियो बनेगा 9:15 अर्थात 3:5 का। अब देखिए यहाँ पे निश्चित समय है क्योंकि एक समय चलते हैं, दूरी और चाल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे, 3:5 का रेशियो जो होगा दूरी का वही चाल का हो जाएगा। अब देखो 600 किलोमीटर की यात्रा करने में ये पूरा 8 घंटे लगाता है, तो 8 से भाग करोगे 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी चाल किसकी बी की, तो 5 की वैल्यू 75 है तो 3 की वैल्यू 45 होगी, 15 5 75 15 3 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 600। अब इसी चीज को इसी चाल से पूरी यात्रा तय करेगा कौन,
पहला वाला, तो 600 किलोमीटर है, 45 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद अभी दो क्वेश्चन और हैं, उनको फटाफट खत्म करेंगे। इसमें देखिए ये क्वेश्चन 97 जो क्वेश्चन है 97 क्लिक हो गया होगा, तो 97 जो है इसको फटाफट खत्म करते हैं। देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। देखो सर 8 बजे निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है, निकलता कितने बजे है 8 बजे और पहुंचता कितने बजे है 9:30 बजे। मार्कर से चल रहा है, निकलता कितने बजे है 8 बजे, पहुंचता कितने बजे है 9:30 बजे। अब देखिए 8 से 9:30 तक कितना हुआ समय, 1.5 घंटा हुआ। कोई मैं ऐसी दूरी मान लेता हूं, मान लो मैंने मान लिया दूरी यहां पे 200 किलोमीटर मान लिया, 1.5 घंटे में 600 मान लिया, कितनी मान लिया 3/4। देखो यहां पे हमें दे रखा है 3/4, तो ऐसी चाल आ जाए जिससे हमारा निकल जाए, तो 400 चाल, अगर चाल मान लेते हैं 100 है, चाल मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 1.5 घंटे पहुंचना है तो दूरी कितनी मान लेंगे 150 किलोमीटर मान लेंगे, दूरी मान लिया 150 किलोमीटर। डी भी मान सकते हो, मैंने मान लिया यहां से यहां तक 150 किलोमीटर है और 1.5 घंटे में चलता है इसलिए चाल कितनी हो गई 100, ये दोनों अपनी तरफ से मान लिया। एक दिन वो अपना कार्यालय 8 बजे छोड़ता है, अब 8 बजे एक दिन कार्यालय उसने छोड़ा, लेकिन सामान गति से 3/4, तो इसकी 3/4 कितनी हो गई 75 हो गई, इसकी 3/4 हो गई 75 किलोमीटर पर आवर, मैंने सामान चाल 100 किलोमीटर मान लिया। 1/3 दूरी तय करती है कितनी 50 1/3 क्वेश्चन कह रहा है 1/3 दूरी तय करती है, तो 50 किलोमीटर 75 की चाल से, तो कितना हुआ गुणे 60 कर दो तो 15 × 75 15 × 60 5 × 10 = 40 मिनट हुआ, यहाँ कितना लगा 40 मिनट। अब कितना बचा इधर, इधर बचा 100 किलोमीटर। अब कहता है शेष दूरी को 4/3 चलता है, तो 100 है इसको 4/3 कर दोगे तो बराबर 400/3 हो जाएगा। अब 100 किलोमीटर को 400/3 चलता है, 400 × 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल करोगे 3/4 घंटा, इसको चेंज कर देंगे मिनट में तो 15 आएगा, 15 × 3 = 45 मिनट ये आ जाएगा, तो 40 मिनट ये 45 मिनट ये कितना हो गया 85 मिनट। अब 85 मिनट को बोलते हैं 1 घंटा 25 मिनट, तो अगर इसमें 1 घंटा 25 जोड़ दें तो ये 9:25 हो जाएगा, 1 घंटा 25 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 9:25 हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए 8 बजे चलता है 9:30 पहुंचता है, अब दूरी कोई भी मान सकते हैं, डी मान लीजिए 150 मान लीजिए, हमने 150 मान लिया था और चाल मान ली 100, तो पहले जो 50 किलोमीटर चलता है 1/3 चलता है, तो चलता है किससे 3/4 चाल से, 75 से चलेगा तो लगेगा 40 मिनट, अब दूरी कितनी बची 100, अब चलता है 4/3 से मतलब 400/3 से भाग करेंगे तो आएगा 45 मिनट, तो चलता है 8 बजे 1 घंटा 25 बाद पहुंचेगा, कितने में पहुंचेगा 9:25 पर। सवाल चाहे एक बार और देख सकते हैं आप, इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक। तो उसमें एक क्वेश्चन और अंतिम सवाल, इसमें क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96। अब ये वो सवाल लगवा देते हैं और ये भी सीरीज आपकी पूरी हो जा रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, 7 एक्सपर्ट और प्लस 5 ट्रेनी, 5 ट्रेनी किसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, 9 दिन की बात कर रहा है, और कह रहा है कि जो है 4 विशेषज्ञ 4 एक्सपर्ट, अगर इसको को ऐसे कर दे रहे हैं 9 कर दे रहे हैं साथ में, और बराबर कह रहा है 4 एक्सपर्ट और प्लस 15 ट्रेनी इसको कर रहा है 12 दिन में। अब देखो यहां से एक्सपर्ट और ट्रेनी में रेशियो बना देंगे, तो इसको अंदर इंटू कर दी 9 × 63 और ये 12 × 4 = 48, 63 और 48 में जो डिफरेंस है 15 का है, 15 एक्सपर्ट
15 एक्सपर्ट बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 15 और 12 गुणा करेंगे तो आएगा तुम्हारा 180। तो 9 × 5 = 45 और 45 और 180 में कितना डिफरेंस है, ये आपका 10 में 5 गया 5, 7 में 4 गया 3, 135। तो 135 हो जाएगा ट्रेनी, तो 15 से काटोगे 15 × 9 = 135, तो एक एक्सपर्ट बराबर हो जाएगा 9 ट्रेनी। एक एक्सपर्ट बराबर कितना हो जाएगा 9 ट्रेनी। अब इसी को उठा लो कहीं से, तो 7 एक्सपर्ट + 5 ट्रेनी ये काम करते हैं 9 दिन में। अब देखिए यूपीपी का पेपर है, लोग कहते हैं बड़ा आसान पेपर आता है, एसएससी मेंस में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, सीजीएल मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क से, इसमें 2 इक्वेशन बनती हैं और पुलिस के पेपर में क्वेश्चन है, इसलिए मेहनत करिए सभी लोग अच्छे से। 7 एक्सपर्ट + 5 ट्रेनी × 9 करना किससे है, 5 एक्सपर्ट + 6 ट्रेनी की बात से काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ एक्सपर्ट है वहाँ 9 ट्रेनी पुट कर देंगे, तो 9 और 9 = 5 कितना हो जाएगा 14 × 9 बटा यहाँ कितना हो जाएगा 5 एक्सपर्ट है तो 5 एक्सपर्ट है 9 6 ट्रेनी है, तो एक्सपर्ट जगह 9 रख दो, ट्रेनी जगह 1 रख दो, तो एक्सपर्ट कितना 9 × 5 = 45 और 45 और 6 कितना हो जाएगा 45 × 6 = 54। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, कहाँ गड़बड़ हो गया इसमें, एक्सपर्ट बराबर 9 ट्रेनी। अच्छा यहाँ पे एक्सपर्ट 9 ट्रेनी है, गलती हो गई, जहाँ एक्सपर्ट है वहाँ 9 ट्रेनी, 9 × 7 = 63 और 5 कितना हो जाएगा 68। यहाँ पे एक्सपर्ट जहाँ 9 है, ट्रेनी कितना 1 है, 9 × 7 = 63 और 5 कितना होता है 68 बटा यहाँ 5 रखोगे 9 × 5 = 45 और 45 और 6 कितना होता है 51 गुणे कितना हो जाएगा 9, 17 × 68 17 × 3 = 51 3 × 3 = 9 = 12। कैलकुलेशन थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, 7 एक्सपर्ट + 5 ट्रेनी × 9 और 5 एक्सपर्ट + 6 ट्रेनी से काम करवाना था, तो यहाँ पर 1 एक्सपर्ट = 9 ट्रेनी। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट जो है एक्सपर्ट अपान जो ट्रेनी है वो बराबर 9/1 हो जा रहा है, एक्सपर्ट जगह 9 और ट्रेनी जहाँ 1, ये पुट कर देंगे ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू, तो आपका सीरीज नंबर 65 का भी मैंने सोल्यूशन दे दिया, थैंक्स, ओके।